नहीं चलेगी, मैं तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मैं तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। आज हल्द्वानी नगर निगम में बोर्ड बैठक को लेकर नाराज पार्षदों ने नगर निगम के बाहर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज पार्षदों का कहना है कि नगर निगम में कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शहर में अलाव के नाम पर 10 लाख खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन दिसंबर महीने में निगम क्षेत्र में कहीं भी अलाव नहीं जल पाए हैं और बोर्ड बैठकों में भाजपा समर्थित पार्षदों को छोड़कर अन्य पार्षदों की अनदेखी की जा रही है। पार्षद रवि जोशी और नरेंद्र सिंह रोड़ू का कहना है कि 3 साल बाद आज बोर्ड बैठक की जा रही है, लेकिन उनके वार्डो में सड़क बिजली पानी की व्यवस्था अस्त व्यस्त स्थिति में है। मेयर साहब के घोटालों का चिट्ठा उन्होंने खुद जारी कर दिया है। 10 लाख रुपए के उन्होंने अलाव जलाए हैं और ठंड इस समय यह है, दिसंबर का महीना हो गया, आप किसी भी एक चौराहे में अलाव जलते हुए दिखा लीजिए। 10 लाख रुपए की लकड़ी इन्होंने अलाव में जलाई है, अपने लिए 25,000 की कुर्सी में अपने अंदर बैठे और पार्षदों के लिए 400 रुपए की नीलकमल की कुर्सी तक नहीं रखी है। जोगेंद्र रौतेला जी ने इन्होंने जो स्ट्रीट लाइटें लगाई है, नई LED बंद पड़ी हुई है। आप नगर निगम से 200 मीटर की दूरी में चले जाइए, एक भी लाइट नहीं चल रही है। देखिए, आज से 3 साल पहले आज ही के दिन शाम को 5 बजे मेयर साहब ने बोर्ड बैठक करी थी और आज फिर 3 साल बाद बोर्ड बैठक कर रहे हैं और उस बोर्ड बैठक में जितने भी पहले प्रस्ताव पास हुए उनमें काम। अब ये आप लोगों के सामने जो ये एजेंडा आया हमारे पास जो मेयर साहब ने दिया है, इस एजेंडे में बजट का सबसे पहला प्रावधान है। बजट जो कि फरवरी मार्च में पास हो जाना चाहिए, अगला बजट आने को तैयार हो गया फरवरी मार्च में, वो पिछला बजट जो पूरा खर्च कर चुके हैं, पूरा खर्च कर चुके हैं, उस बजट को ये फिर से लेके आगे पास कराना चाहते हैं, यही एक हमारा दुर्भाग्य। वहीं बोर्ड बैठक के आयोजन किए जाने पर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में हर जगह वृहद स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे विरोध भी होते रहते हैं। उनका कहना है कि विकास को लेकर आज बोर्ड बैठक में 12 प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, 70 और 12 नामित पार्षद मिलाकर 72 पार्षद हैं। सब क्षेत्रों की अपनी समस्याओं को लेकर जूझते हैं और बड़ी प्रबलता से बात करते हैं। सभी का अपना अपना तरीका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विरोध करना, समर्थन करना, प्रस्ताव पर विरोध करना, प्रस्ताव पर समर्थन करना, इसी के लिए बोर्ड बुलाई जाए। तो हल्द्वानी नगर निगम से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News। नमस्कार।